एसएमबी इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर जिला ओलंपिक एसोसिएशन अलीगढ़ एवं अलीगढ़ स्केटिंग क्लासेस के संयुक्त तत्वाधान में बालक वर्ग और बालिका वर्ग में स्केटिंग म्यूजिकल कोन स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश स्केटिंग खो खो संघ के अध्यक्ष विवेक बंसल, पूर्व विधायक और विशिष्ट अतिथि क्रीडा भारती के महामंत्री डॉ शंभु दयाल रावत ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई दी। मुख्य अतिथि विवेक बंसल जी ने खिलाड़ियों से कहा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, खिलाड़ी और छात्रों को हमेशा अपने क्षेत्र में मेहनत करनी चाहिए। यदि एक बार असफल हो जाए तब भी उसे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और एक दिन सफलता उसे अवश्य अपने गले लगाएगी। ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष भगत सिंह बाबा, सचिव प्रदीप रावत ने मुख्य अतिथि वशिष्ठ अतिथि का स्वागत किया। प्रतियोगिता का संचालन सचिव प्रदीप रावत ने किया। प्रदीप रावत ने बताया, 55 खिलाड़ियों ने स्केटिंग म्यूजिकल कोन में प्रतिभा किया है। प्रतियोगिता के समय डॉक्टर कैलाश चंद्र रावत, अनुराग ठाकुर, नीतेश, नरेश कुमार आदि उपस्थित रहे हैं। प्रतियोगिता के विभिन्न वर्ग में प्रथम आई बालिका वर्ग वंशिका चौहान, देवांशी अग्रवाल, वन्या गोयल, शिव जादौन, काव्या शर्मा, रवि दीक्षित बालक वर्ग में गोविंद सिंह, आदित्य ठाकुर, विधान प्रताप सिंह, हिमांशु धनगर, तनिक दीक्षित, अथर्व भारद्वाज, योग सिंह, अवनीत यादव, नवनीत महेश्वरी, प्रणव सिंह, दिव्यांश शर्मा, निकुंज गुप्ता, मुस्तफा खान विभिन्न वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्केटिंग को खेल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने आप में बहुत उत्कृष्ट खेल है। जब आदमी बच्चा स्केट्स पर चलता है, हवा से बात करता है, तो उसका उसकी में जो विचार जो उत्पन्न होते हैं, जो आत्मविश्वास होता है कि हवाओं को चीरता हुआ वो आगे बढ़ रहा है, उसका कोई सानी नहीं होता है। तो बच्चों को इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अभ्यास, परिश्रम, पक्का इरादा उन्हें आगे ले जाएगा, अपने इस खेल में ले जाएगा और जीवन के हर क्षेत्र में ले जाएगा। भगत सिंह बाबा है, मैं ओलंपिक संघ का कोषाध्यक्ष हूँ। सर, हमारे रावत जी ने जो स्केटिंग को अगर अलीगढ़ में चमकाया है और जो स्टेट और नेशनल में जो पार्टिसिपेट दिया है ना अलीगढ़ का, मैं इसके लिए तहे दिल से उनको सलूट करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे ग्राउंड पर स्केटिंग चलाना मैंने कहीं देखा ही नहीं आज तक। मैं बहुत बार गया हूँ घूमने, लेकिन मैंने कहीं ऐसी स्केटिंग में रिंग नहीं देखी जो जिस रिंग पे ये खुद काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं बार बार इनको सलूट करता हूँ। सर, स्केटिंग खेल को लेकर आपका क्या कहना चाहिए? नहीं, स्केटिंग खेल एक अपने आप में एक बहुत अच्छा खेल है और इसमें जितना पार्टिसिपेट बच्चे जितने छोटे करते हैं शायद किसी गेम में नहीं करते हैं, मतलब कोई भी कर सकता है इसको। जी, प्रदीप रावत, सचिव अलीगढ़ स्केटिंग क्लासेज अलीगढ़। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर स्केटिंग प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें लगभग 60 बच्चों ने भाग लिया और स्केटिंग प्रतियोगिता म्यूजिकल कौन के माध्यम से कराई गई, जिसमें बालक और बालिका वर्ग जो सम्मानित हुए हैं, विजय हुए हैं, उनको अलीगढ़ ओलंपिक संघ सम्मानित करेगा। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन कौन से बच्चे आए हैं, क्या है? वो रिजल्ट हम पर है, अभी निकाले नहीं है, निकल आएंगे तो टॉप 10 जो हमारे होंगे वो सभी खिलाड़ी सम्मानित। लगभग 60 खिलाड़ियों हमने बालक वर्ग और बालिका वर्ग ने मिलकर इसमें प्रतिभाग की है। तो तीनों का वर्ग अलग अलग फर्स्ट? हाँ, तीनों वर्ग अलग अलग ही होंगे, जूनियर वर्ग, बालक वर्ग, सीनियर वर्ग, बालक वर्ग, सीनियर गर्ल्स, जूनियर गर्ल्स। तो इसके स्केटिंग को लेकर आप क्या, मतलब बच्चों से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? स्केटिंग गेम एक रोमांचकारी गेम है और आज लगभग 15 वर्ष बाद, क्योंकि 10+2 में ये 2011 में जुड़ा है और आज लगभग 14-15 वर्ष हो गए हैं और खिलाड़ियों में क्रेज है और दिन पे दिन खिलाड़ी बढ़ रहे हैं इसके। तो क्या कम समय में इस खेल को प्रैक्टिस की जा सकती है, जैसे क्रिकेट है काफ़ी समय लगता है? हाँ, लगभग आप ये मान लें कि मेरे यहाँ अली स्केटिंग खिलाड़ी 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम कंपटीशन की तैयारी कराती रहती है।